तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी ऑप्शन आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो so, यार अब हम अपनी थर्ड पोएम की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट और जिसको लिखा है पब्लो नरूडा ने तो so, यार इस पोएम को ना बेसिकली मैंने पांच टाइन्साज़ में ब्रेक करा हुआ है और आपके नोट्स में भी वैसे ही लिखा हुआ है इसीलिए मैं आपको इस समरी में आपको पाँच टाइन्साज़ में ही बता रही होंगी इसके बारे में ताकि आपके लिए नोट्स रेफ़र करना और आसान हो जाए और इसीलिए आप पोएम को ज़्यादा बेटर समझ पाओ तो यार जो बेसिक आउटलाइन है इस पोएम की उसी से शुरू करेंगे बेसिक आउटलाइन में हमें जो पोएट है पब्लू नरोडा वो हमें बता रहा होता है कि कैसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज़ एंड अप्रिशिएट आर लाइफ्स आजकल की दुनिया में कैसे हम लोग सारे बस भागा दौड़ी में लगे हुए हैं मटीरियलिस्टिक थिंग्स को अप्रोच करी जा रहे हैं जो टारगेट्स हमें पता भी नहीं हमें कहाँ तक पहुँचाएँगे पर हम उन्हें करी जा रहे हैं तो पब्लू नरोडाज द पोएट हमें ये अर्ज करता है वो चाहता है कि हम लोग एक जगह रुकें थोड़ी शांति बनाएँ अपने आप को काम डाउन करें और देखें कि हम लोगों ने अभी तक क्या अचीव किया है क्या हमसे गलतियाँ हुई हैं उन अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करें उन गलतियों को सुधारें तो ये पोएम सारी उसके अराउंड रिवॉल्व करती है तो ये बेसिक आउटलाइन है यार चलो आगे अब समरी देखते हैं तो यार जो पहला पैराग्राफ है उसमें बेसिकली हमको पोएट बोलता है कि वो अप टू ट्वेल्व काउंट करेगा अब ये ट्वेल्व क्या है ट्वेल्व कुड भी एक दिन में जितने घंटे होते हैं या फिर ट्वेल्व है ट्वेल्व रिप्रेजेंट कर सकता है साल के बारह महीने ये चीज़ याद रखना यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आ सकता है उसके बाद वो कहता है कि मैं बारह तक काउंट करूँगा और तब तक वो हमें चाहता है कि हम चुप रहें हम शांत रहें अपने आप को काम करें ऐसा क्यों चाहता है वो बेसिकली वो चाह वो इसीलिए ऐसा हमें करने को कहता है ताकि पूरी दुनिया में यूनानिमसली शांति बनी रहे हम लोग एक बार तो कम से कम एक इंसान की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे धरती पे और हम बिल्कुल एक साथ हो क्योंकि हर दुनिया यार दुनिया में हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं तो फॉर वंस सब लोग यूनाइट हो जाएंगे और साइलेंस की लैंग्वेज बोल रहे होंगे यार इस पोएम के ना बिल्कुल छोटे 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 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आंसर में इंक्लूड होने चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम समरी और नोट्स ढंग से रेफ़र कर रहे हो ताकि तुम्हें पता लगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है कंटिन्यूइंग टू द समरी उसमें हमको आगे बोलते हैं कि बेसिकली हमको अर्ज कर रहे हैं पोइट कि हम लोग बस शांति बनाए रखें थोड़ी देर के लिए ही सही ताकि फॉर वन मोमेंट हम लोग एक जगह रुकें शांति से सोचें कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या अचीव किया है क्या क्या हम लोगों ने खोया है क्या क्या हमसे गलतियाँ हुई हैं फॉर वन मोमेंट वो चाहता है कि कोई कुछ ना बोले बस सब साइलेंस बोले विच इज़ वेरी आरानिकली यार क्योंकि वो लैंग्वेज साइलेंट की बोलने को बोल रहा है जबकि साइलेंट में कुछ बोलना नहीं होता बट वो हमें चाहता है कि हम एक साथ हों फॉर वन टाइम इन लाइफ हम लोग इकट्ठे रहें और ये समझें कि हमारा इकट्ठा होना कितना इम्पॉर्टेंट है और हमें हमसे अर्ज करता है कि फॉर वंस हम लोग कोई काम ना करें हम अपने हाथ ना उठाएँ ताकि हम किसी को सिग्नल ना दें कोई रॉन्ग सिग्नल ना दें या किसी को मारने के लिए अपने हमारे हाथ ना उठें तो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ में हमें यही समझाना चाहता है तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पैराग्राफ की तरफ सेकेंड पैराग्राफ में हमें बता रहा होता है अगर बाय गॉड्स ग्रेस ये कभी पॉसिबल भी हुआ तो वो कितना रेयर और सडन सिचुएशन होगा क्योंकि आज तक धरती पे या कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि सब पूरी दुनिया पूरी पॉपुलेशन मिलके एक बार शांत होकर अपने आप को सोच रही है अपने बारे में अपने कर्मों को याद कर रही है ऐसा कभी हुआ नहीं है तो वो बहुत सडन और रेयर मोमेंट होएगा जब पूरी दुनिया पूरी धरती शांत हो जाएगी और सब सिर्फ शांति की भाषा बोल रहे होंगे उसके अलावा कोई इंजन कोई मोटर व्हीकल्स कुछ नहीं चल रहा होगा कोई मशीन्स नहीं चल रही होंगी दुनिया में बिल्कुल शांति बनी रहेगी और एक सडन कामनेस आ जाएगी यार इन्वायरमेंट में हमारे अराउंड जो कि बहुत रेयर सिचुएशन है कभी अचीव हुई नहीं है आज तक उसके अलावा फिशरमैन है वो भी आ, जो लोग फिशेस के लिए हंट करते हैं वेल्स के लिए हंट करते हैं ओशन में वो लोग भी एक टाइम के लिए रुक जाएंगे किसी की लाइफ को कोई नुकसान नहीं होएगा कोई कहीं लड़ाई नहीं कर रहा होएगा उसके बाद यार पोएट हमें बोल रहा होता है कि एक एग्जाम्पल देके बताता है कि कैसे एक इंसान जो सॉल्ट गैदर करता है उसके हाथों में कितने ज़्यादा ब्रूजेज होते हैं पर सिंस उसको टाइम ही नहीं होता अपने ज़ख्मों को देखने के लिए बस मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागता रहता है भागता रहता है और सोचता ही नहीं है कि वो अपने आप को कितना हर्ट कर रहा है अपने सराउंडिंग्स को कितना हर्ट कर रहा है तो बेसिकली उस टाइम पर सब जब शांत होंगे तो उसके पास भी वो टाइम होगा कि वो अपने हाथ के ब्रूजेस को देख पाए वो देख पाए कि उसने कितनी मेहनत करी और क्या कुछ अचीव करा अपनी मेहनत से और बस हमेशा पैसों के पीछे या कोई और मटेरियलिस्टिक थिंग के पीछे ना भागता रहे और अपनी लाइफ को एक सेकेंड एक सेकेंड रुक के अप्रिशिएट करना सीखे तो यार सेकेंड पैराग्राफ में बस इतना ही समझाया उसके बाद हम थर्ड स्टैंडजा की तरफ चलते हैं तो यार थर्ड पैराग्राफ में हमें पब्लिनो और रूडा जो पोएट हैं वो हमें बताते हैं एक बात ध्यान रखना उससे पहले यार मैं हर बार हर स्टैंडा में ऑथर्स के नेम पे पोएट्स के नेम पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दे रही हूँ मेक श्योर तुम उनको याद कर रहे हो क्योंकि वो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ अभी भी बता रही हूँ वो सीधा एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द पोएम एंड द पोएट तो मेक श्योर sure कि तुम पोएट और पोएम का नाम अच्छे से विद करेक्ट स्पेलिंग्स याद कर रहे हो ठीक है तो मूविंग ऑन द थर्ड पैराग्राफ यार जो चीज़ें हैं फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन मैनकाइंड ने आजकल कर रखी है जैसे माइनिंग होगी डिफॉरस्टेशन होगी फैक्ट्री से केमिकल्स जो वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिए जाते हैं उन चीज़ों से पोएट हमें बताना चाहता है कि कुछ नहीं होता है सिर्फ ह्यूमन और इन्वायमेंटल डिस्ट्रक्शन होती है जो लोग वॉर्स में इंडल्ज होते हैं और मारामारी पर उतर आते हैं उससे कुछ नहीं होता यार किसी को कुछ हासिल नहीं होता सिर्फ ह्यूमन लॉस होता है ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है और इन्वामेंटल लॉस होता है तो बेसिकली पोएट हमें चाहता है ये बताना कि हमको ये सारी चीज़ें एक टाइम पे अभी ही रोक देनी चाहिए ताकि आगे किसी को हमारी फ्यूचर जनरेशन को कोई लॉस सफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े ताकि वो लोग भी एक अच्छा और एक हेल्दी इन्वायरमेंट इन्जॉय कर पाएँ और सेम टू सेम हमें थैंक कर पाएँ कि हम लोगों को अपने एंसेस्टर्स से इन्हेरिटेंस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं उसके अलावा वो चाहता है कि यार हमें अपनी लाइफ को अपनी आगे वाली फ्यूचर जनरेशन को एक पॉजिटिविटी और एक नए नज़रिए से देखें वो चाहता है कि हम लोग ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागना बंद करें इन सब चीज़ों के पीछे कुछ नहीं रखा है वो चाहता है कि हम ये सब रियलाइज़ करें इसीलिए वो हमें चाहता है कि हम रुकें अपनी लाइफ़ को रिवाइंड करें देखें कि हम लोगों ने क्या क्या है अप्रिशिएट करें और आगे वाली लाइफ को एक नए नज़रिए से देखें तो यार थर्ड पैराग्राफ में हमें सिर्फ इतना समझाया इसके बाद हम लोग फोर्थ पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं तो यार फोर्थ पैराग्राफ जो है उसमें हमें बताया है कि आजकल लोग कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं कितने अपने आप के बारे में सारा टाइम सोचते रहते हैं कि अगर हमने ये अचीव नहीं करा तो क्या हो जाएगा अगर हमने वो अचीव नहीं करा तो क्या होगा थोड़े पैसे हमारे हाथ से छूट गए तो क्या होगा हम सर्वाइव कैसे करेंगे तो बेसिकली यार सर्वाइवल हमारी सिर्फ पैसों पर डिपेंड नहीं करती ये हमें पोइट हमें यहाँ पर बताना चाह रहा है सिर्फ मटीरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागते भागते हमारे सारे सब जो सारी सेल्फिशनेस है वही वहीं जा रही है और हम लोगों को ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग एक जगह शांति से बैठ के सोचें कि हम लोग क्यों भाग रहे हैं ऐसी चीज़ों के पीछे क्या इनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है तो बेसिकली आज की दुनिया में इंसान सिर्फ मौत से डर रहा है और ज़िंदगी को जीना भूल रहा है तो पोएट हमें चाहते हैं कि हम लोग रुकें ये सोचें और अपनी एक नई शेप दें अपनी ज़िंदगी को एक ट्रू पर्पज़ ढूंढने अपनी लाइफ का कि हम एक्चुअली करना क्या चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें हम खुश हैं कि नहीं अगर खुश हैं अगर उस चीज़, उस चीज़ से हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है सिर्फ तभी उस चीज़ को करने का फ़ायदा है क्योंकि तभी तुम लोग इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी रिलीज़ uh, कर रहे होगे यार सारा प्रोसेस गिव एंड टेक का ही होता है तो अगर तुम किसी चीज़ से किसी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो तो तुम उसको कैसे पॉजिटिवली यूटिलाइज करके उतना गिव रिटर्न कर पा रहे हो या उनको दे पा रहे हो वापस उस चीज़ पे डिपेंड करता है तो अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें गलत जा रही हैं तो पोएट हमें बस यही बताना चाह रहा है कि ऐसे हम लोगों को ट्रू पर्पज़ ऑफ लाइफ ढूंढना है ऐसे नहीं कि कहीं भी भागी जा रहे हैं जो हमें सिखाया गया है जो हमें बोला गया उसी के पीछे भागी जा रहे हैं तो यार इतना ही था अब हम नेक्स्ट टैंजा की तरफ पढ़ते हैं तो यार जो हमारा लास्ट टैंजा है उसमें हमें पोइट अर्थ का एग्जाम्पल लेने के लिए, के लिए कहता है उसमें हमें बताते हैं कि जब विंटर्स होती हैं तो कैसे अर्थ में सब कुछ शांत स्टिल काम और बिल्कुल ऐसे फ्रोजन सा रहता है और कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही आती आ रही होती धरती एकदम शांत होती है हाएवर जैसी विंटर का मौसम जाता है और स्प्रिंग सीजन आता है कि ऐसे सब कुछ बहुत लाइवली हो जाता है कितना जॉयस हो जाता है सब कुछ देखने में सब कुछ सारी धरती इन्जॉय कर रही होती है लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं इसी चीज़ को रिजम्बल करवाना चाहता है पोएट हमें कि हम लोग भी फॉर वन मोमेंट अपनी लाइफ में शांति बनाएँ थोड़ी देर के लिए रियलाइज़ करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बाद जो आने वाला टाइम होगा अगर हम लोगों ने उस शांति को मेंटेन करके रियलाइज़ कर लिया तो हमारा भी आने वाला टाइम बहुत जॉयस होगा बहुत लाइवली होगा सब कुछ बहुत एनर्जेटिक रहेगा हमारे अराउंड तो इसीलिए हम लोग तो यहाँ पे हमको अर्थ से अपनी लाइफ को कंपेयर करने के लिए बोला गया है पोएट के थ्रू उसके अलावा यार एंड में पोएट बस बोलते हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू ट्वेल्व एंड देन आई विल गो इसका क्या मतलब है यार कि अब बस जो पोएट ने अपना मैसेज कन्वे करना था वो अपने वर्ड्स के थ्रू अपनी इस पोएम के थ्रू वो कर चुका है उसके बाद वो बस हमें चाहता है कि अब हम उसके ऊपर सोचें उसके ऊपर विचार करें और देखें कि अपने लाइफ में उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है तो यार बेसिक समरी पोएम की यही थी इसके अलावा जो नोट्स हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहाँ पे मिल जाएंगे मेक श्योर शोरू नोट्स में uh, को देख रहे हो सारे वर्ड मीनिंग्स फिगर ऑफ स्पीच जो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में वो सब वहाँ इंक्लूडेड होंगे एंड मेक श्योर यार रिवाइज़ करते रहो रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अलावा ऑल द बेस्ट